दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि चेन्नई स्वामी का यह मैदान था, जिसके चलते फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने शुरुआत अच्छी दिलाई। लेकिन तभी अनुकूल रॉय की इस गेंद पर टॉप एज जबरदस्त तरीके से फाफ डुप्लेसिस और पीछे स्टार्क ने लेग स्लिप पर कैच को लपका, जिसके चलते 8 रन बनाकर फाफ डुप्लेसिस आउट हुए। दोस्तों उनके बाद कैमरॉन ग्रीन को उतारा गया 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और उन्होंने आते ही अपनी इनिंग की शुरुआत चौके से की। दोस्तों फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, दोनों काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली देखते ही देखते अच्छी लय में आ रहे थे और अपने 50 रन तक पहुंच चुके थे, लेकिन कैमरॉन ग्रीन 33 रन बनाकर रसल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और हो गए क्लीन बोल्ड। 21 रन बनाकर 33 गेंदों में 33 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन इस तरीके से 33 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर आए रजत पाटीदार कोहली का साथ देने के लिए। दोस्तों 10 ओवर के बाद 90 रन स्कोर हो चुका है आरसीबी की टीम का। लेकिन दोस्तों अब विराट कोहली की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के 185 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली की तरफ से मिचेल मार्च और डेविड वार्नर, लेकिन आते ही नाइक बर्जर ने इस तरीके से मिचेल मार्च को चारों खाने चीत करते हुए बोल्ड कर रख दिया, जिसके चलते मिचेल मार्च आउट हुए 23 रन बनाकर 12 गेंदों में। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रिकी भ्यू, लेकिन आते ही ये भी टॉप एज बैठे अपनी गेंद का और 0 रन बनाकर आउट हुए। ना जाने क्या सोचकर पृथ्वी शॉ को लिया था इनकी जगह। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद डेविड वार्नर भी बाहर जाती हुई गेंद पर 49 रन पर ऐसे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई, अर्धशतक भी पूरा नहीं कर पाए डेविड वार्नर, 49 रन बनाकर 34 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से अभिषेक पोरेल भी बाहर जाती हुई गेंद पर चहल की सीधा हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 9 रन बनाकर अभिषेक पोरेल भी आउट हुए। लेकिन अब दिल्ली के कप्तान ने दिल्ली का हाथ छोड़ दिया तब दिल्ली डूब गई। ऋषभ पंत भी बाहर जाती हुई गेंद पर चहल की एज देकर सैमसंग को कैच से बड़े सरिये से 28 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों जैसे तैसे टिस्टन स्टब्स आए बल्लेबाजी करने के लिए और अच्छी बल्लेबाजी कर भी रहे थे, लेकिन टारगेट 185 रनों का था और गेंदें काफी ज्यादा कम थी। दोस्तों जैसे जैसे आ गया अंतिम ओवर में मुकाबला, जहां 6 गेंदों पर 17 रनों की दरकार थी। अक्षर पटेल और टिस्टन स्टब्स बल्लेबाज से आवेश खान ने सिर्फ 3 ही रन दिए, कड़क 4 यॉर्कर रखे, जिसके चलते 12 रनों से राजस्थान ने मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, अंतिम ओवर में 17 रन नहीं लगा पाई दिल्ली की टीम और लगातार अपना दूसरा मुकाबला हार गई, जिसके चलते राजस्थान ने अपना दूसरा मुकाबला जीतते हुए 12 रनों से जीत को दर्ज कर लिया। लेकिन दोस्तों आप राजस्थान की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप बिरयान पराग को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 9वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम। दोस्तों राजस्थान की शुरुआत खराब रही, जयसवाल 5 व बटलर 11 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद संजू सैमसंग आए। संजू सैमसंग भी कप्तान 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद मैदान पर आए रियान पराग और रियान पराग ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों राजस्थान ने नंबर 4 पर भेजा था रियान पराग को और उससे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी रियान पराग ने की। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मौके को लपकते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की रियान पराग ने इस मुकाबले में तूफानी चौके छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर आतिशी छक्के लगा रहे थे रियान पराग और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दोस्तों अब इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि राजस्थान को एक बड़े टोटल तक पहुंचाए और गेंदें अभी भी 20 बाकी थी, जिसके चलते और भी तूफानी बल्लेबाजी की रियान पराग ने। दोस्तों अंत तक पराग ने बल्लेबाजी की 84 रन ठोक दिए 45 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 6 छक्के व 7 चौके जड़े। हेनरी नॉर्थिया के आखिरी ओवर में 25 रन निकाले रियान पराग ने, जिसके चलते राजस्थान की टीम 185 रन तक पहुंच पाई। अगर पराग की यह बेहतरीन पारी ना आती तो 150 रन तक भी राजस्थान नहीं पहुंच पाती। लेकिन दोस्तों अब रियान पराग की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। 277 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम। दोस्तों मुंबई इंडियंस की शुरुआत किशन किशन और रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से दिलाई, जहां ईशान किशन लगभग हर गेंद पर प्रहार कर रहे थे और 34 रन पर पहुंच चुके थे 13 गेंदों पर। तभी शहबाज अहमद की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने की इच्छा में मार्करम को कैच दे बैठे और 34 रन बनाकर 13 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद रोहित शर्मा भी वैसे ही अंदाज में बल्लेबाजी करने के चक्कर में 26 रन बनाकर कमिंस की इस गेंद पर पीछे खड़े अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे, 26 रन बनाकर 12 गेंदों में रोहित शर्मा आउट हुए। दोस्तों उनके बाद नमन धीर भी अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन उनका बेहतरीन साथ तिलक वर्मा ने। दोस्तों देखते ही देखते इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने शानदार पांचवें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू किया। लगभग 10 ओवर तक मुंबई इंडियंस की टीम भी 140 रन के पार पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते तिलक वर्मा ने भी 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन ये भी टाइम आउट के बाद पैट कमिंस की अगली गेंद पर एक और छक्का लगाने की इच्छा में मयंक अग्रवाल के हाथों में मार बैठे गेंद और 64 रन आउट बनाकर आउट हुए। लेकिन उनके बाद आए कप्तान हार्दिक पांड्या और उनका साथ देने आए टिम डेविड। दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या ने काफी खराब पारी खेली। दोस्तों उनका अच्छा साथ दे रहे थे टिम डेविड, जो कि अच्छे प्रहार कर रहे थे। इन कप्तान पांड्या 20 गेंदों का सामना करते मात्र 24 रन लगाकर उनाद काट की इस गेंद पर क्लासन को कैच दे बैठे। मात्र 120 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की, जिसके चलते फंस कर रह गई मुंबई इंडियंस की टीम। अंत में टिम डेविड ने 42 रन लगाए 22 गेंदों में, लेकिन वो काम के नहीं रहे क्योंकि गेंदें ही पूरी हो गई। 246 रन लगाए मुंबई की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर और 31 रनों से हैदराबाद ने इस मुकाबले को जीत लिया।
लेकिन दोस्तों आप मुंबई इंडियंस की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी सिकंदराबाद को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आईपीएल 2024 का बेहतरीन मुकाबला हुआ आज, आठवां मुकाबला सिकंदराबाद बना मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने पैट कमिंस की हैदराबाद की टीम के खिलाफ टॉस जीता और टॉस जीतकर पिच को देखते हुए गेंदबाजी को चुना और यही उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि जब ट्रैविस हेड डेब्यूटेंट बल्लेबाज सिकंदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल के साथ, तब उन्होंने मैदान पर हाहाकार मचा दिया। लगातार एक के बाद एक चौका जड़ने लगे, उनका साथ दे रहे थे मयंक अग्रवाल। तभी हार्दिक पांडे की गेंद पर टीम डेविड को इस तरीके से कैच दे बैठे और मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने मिलकर मैदान पर खतरनाक तूफानी व शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों उस मुकाबले में ट्रैविस हेड ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया सिर्फ 20 गेंदों में। उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भी मैदान पर रोंगटे खड़े करने वाली बल्लेबाजी की और इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाया सिर्फ 16 गेंदों में। दोस्तों ट्रैविस हेड 62 रन पर आ चुके थे, तभी कॉट्जी की इस गेंद पर नमनदीर को कैच दे बैठे, जिसके चलते 62 रन बनाकर 24 गेंदों में ट्रैविस हेड आउट हुए। लेकिन उनके बाद अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली 63 रनों की, लेकिन ये भी अंत में आकर 14 की इस गेंद पर नमनदीर को ही कैच देकर आउट हुए। 23 गेंदों पर 63 रन अभिषेक शर्मा ने खतरनाक पारी खेली। लेकिन उसके बाद आया अंत में हेनरिक क्लासन का तूफान। दोस्तों आकर हेनरिक क्लासन ने मैदान पर अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड से भी खतरनाक बल्लेबाजी की मैदान पर, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। दोस्तों क्या आपको यकीन होगा अगर मैं कहूं हेनरिक क्लासन ने इस मुकाबले में 80 रनों की खतरनाक पारी खेली 34 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 7 छक्के व 4 चौके लगाए और सिकंदराबाद ने इतिहास रचा। जी हां दोस्तों, आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया सिकंदराबाद ने हाईएस्ट टीम टोटल का, यानी कि एक टीम ने सबसे ज्यादा रन, इससे पहले 263 रन बैंगलोर ने लगाए थे और आज हैदराबाद ने 277 रन लगा दिए हैं, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। इसी के साथ सिकंदराबाद ने इतिहास रचा आईपीएल में आज। दोस्तों आप हैदराबाद की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर दें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।